हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता ही है कि आज पीटैट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी आज हम आंसर की लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पहला क्वेश्चन है, महद्वीपी विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर रहेगा वी अल्फ्रेड। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बी SBI। अगला क्वेश्चन है, किसने ज्वालामुखी मंदिर में उपलब्ध पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया था? तो इसका आंसर रहेगा सी इजुद्दीन खली खानी। अगला क्वेश्चन है, किन्नौर जिले के नकाबपोश नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है शाम सी। अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे अर्थ हावर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड डैश में जीता? तो इसका आंसर रहेगा डी 1948। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2019 पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा वी बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल कॉमनवेल्थ खेल CWG 2022 में शामिल नहीं होगा? तो इसका आंसर रहेगा ए शूटिंग। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ी होती? तो इसका आंसर रहेगा टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा, किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर रहेगा पाली। अगला क्वेश्चन है, चेचक के निवारण के लिए वैक्सीन आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर रहेगा श्री कृष्ण एवं राधा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर में भी आए थे ये क्वेश्चन। तो अगला, ये दोनों ही आए थे, ये दोनों साथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाई दोनों पाई निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार है? तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, उसने कहा था किताब किसने लिखी? तो इसका आंसर रहेगा सूर्यकांत निराला। अगला क्वेश्चन है, भारत में द लिटिल हादसा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा धर्मशाला। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा 1850। अगला है, दाढ़ी बनाने वाला ब्रश को जब पानी से निकालते हैं तो उसके बाल चिपक जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा पृष्ठ तनाव के कारण बी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा अमरूद में। अगला क्वेश्चन है, पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा लाहौल स्पीति में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? तो इसका आंसर रहेगा दक्षिण साउथ। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा गुटेनबर्ग वी। अगला क्वेश्चन है, मिंजर मेला चंबा में कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वह दक्षिण अमेरिका देश जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर रहेगा ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा वी शुक्र। अगला क्वेश्चन है, हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी है? तो ये है गुलेर ए। अगला क्वेश्चन है, रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर रहेगा अकबर। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, न्यायिक उपाय जिससे जिससे राज्य में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की वैधता की जांच की जा सके? तो इसका आंसर रहेगा डी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।